Hello students, here is a lesson number 7, getting to know plants. Go outside and observe all the plants around you. Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil. Some have green leaves, while some other have reddish ones. Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. We do see a variety of plants existing all around us near our homes, in the way school ground, on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it? Let us get to know the different parts of any plant. This will help us understand the differences between plants of different kinds. Can you label the stem, branch, root, flower, fruit of the plant shown in figure 7.1? Color the parts of the plant. नाउ आपको क्या करना है कि बाहर जाके ऑब्जर्व करना है कि जो भी प्लांट्स हैं आपके आसपास, कुछ बहुत स्मॉल होते हैं, कुछ काफ़ी बिग होते हैं, और कुछ सिर्फ ग्रीन पैचेस होते हैं सॉइल पे, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, लाइक सम पार्टिकल्स. सो सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ किसी के पास ग्रीन लीव्स होते हैं, किसी के पास रेडिश वन होते हैं, कुछ लीव्स काफ़ी ह्यूज होते हैं, कुछ किसी के पास रेड फ्लावर होते हैं, टाइनी ब्लू वंस भी होते हैं. सो वाइल सम हैव नन, और किसी प्लांट्स में फ्लावर्स ही नहीं होते. हमारे पास ऐसी बहुत सारी वैरायटी है हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास, स्कूल गार्डन में, हम स्कूल जाते हैं उस पार्क्स में, गार्डन्स में. सो आपको सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को है आपको ऑब्जर्व करना है, जिससे कि आप समझ सकें कि स्टेम कौन सा है, ब्रांच क्या है, रूट है, लीफ है, फ्लावर है और फ्रूट है. सो हियर इज योर 7.1. आप ये देख सकते हैं, ये ट्री है और ये इसके रूट्स हैं, ये आप देख रहे हैं जो कि ग्राउंड के अंदर हैं. ये लीव्स है उसके, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं. ये मुझे एलोवेरा लग रहा है. सो एलोवेरा में फ्लावर्स नहीं है, उसमें आप देख सकते हैं डार्क ग्रीन कलर है. आपको बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर के लीव्स भी मिलेंगे उसके. सो दिस इज द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ये आप देख सकते हैं, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट है. दिस इज स्टेम, दिस इज लीफ, दिस इज फ्लावर, दिस इज बर्ड एंड इट्स रूट. नाउ वी हैव सो मैनी हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज इन प्लांट्स फॉर्म. मीन्स हर्ब्स जो हैं, जो कि काफ़ी वीक होते हैं, काफ़ी थिन होते हैं, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं. श्रब्स जो है प्लांट टाइप होते हैं, मीन्स वो ट्री की तरह बड़े ग्रो नहीं करते. और ट्रीज जो है ऐसे प्लांट जो कि काफ़ी टॉल होते हैं, थिक होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उन्हें हम ट्रीज कहते हैं. सो हियर इज अ मेन इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश द श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज. नाउ प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. ऐसे प्लांट्स जो कि ग्रीन हैं, काफ़ी सॉफ्ट है, उसे हम हर्ब्स कहते हैं. दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव ब्रांचेस, और काफ़ी शॉर्ट होते हैं, उसकी ब्रांचेस नहीं होती. सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर बेस ऑफ स्टेम, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बेस में, स्टेम के वहाँ पर वो काफ़ी सारी ब्रांचेस जो हैं वो डेवलप करते हैं. द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक. जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है पर काफ़ी थिक नहीं होती. सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, और ऐसे प्लांट्स को हम श्रब कहते हैं. सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम. ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो काफ़ी टॉल होते हैं, जिसकी जो स्टेम होती है काफ़ी थिक होती है. द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, और जो स्टेम्स है उसके वो उसकी जो ब्रांचेस है वो ग्राउंड के अपर पोर्शन में होती है. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, और ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं. बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाई यू एंड कम्प्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1. नाउ पहली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइंस हैव. पहली जो है वो मीन्स ऐसे सोचती है कि मनी प्लांट है, बीन स्टॉक है, गॉड प्लांट्स है, ग्रेप वाइंस है. डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, हाउ आर दीज फ्रॉम अ हर्ब, अ श्रब और अ ट्री. अब इसमें से कौन सा हर्ब है, कौन सा श्रब है, कौन सा ट्री है. सो व्हाई डू यू थिंक सम ऑफ देम एंड नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड्स. और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, कि जिससे वो ऊपर की तरफ, मीन्स ऐसे हम टाई करके या किसी स्टिक के थ्रू, मीन्स बैलेंस करके हम उसे कर सके, जिससे कि वो प्रॉपरली ग्रो कर सके. तो प्लांट्स विथ स्टिक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स. प्लांट्स ऐसे भी कुछ वीक होते हैं जिनकी स्टेम्स जो वो अपराइट मीन्स अपर पोर्शन की तरफ वो प्रॉपरली स्प्रेड नहीं हो पाते या ग्रो नहीं कर पाते, हम उसे क्रीपर कहते हैं. वेल दोज दैट टेक्स सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. और ऐसे कि जो कि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है,
और वो क्लाइंब करते हैं, उसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं. दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज, और ये डिफरेंट होते हैं हर्ब्स श्रब्स और ट्रीज से. परहैप्स देर आर सम प्लांट्स इन आवर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ इट, और ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि हमारे स्कूल में होते हैं, घर में होते हैं और हम उनकी काफ़ी केयर करते हैं. सो टू ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स और क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल्स. सो यू हैव टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी, कोई भी टू ट्रीज हैं, ट्रीज के नेम्स आपको मीन्स मैंशन करने हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, क्रीपर्स हैं, जो आपके स्कूल या घर में आपके ग्रो करते हैं. नाउ इट इज 7.2 स्टेम. ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, नोट ऑन द डिफरेंट स्ट्रक्चर. आपको क्या करना है, आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उनके स्टेम्स को आपको ऑब्जर्व करना है, और उनके स्ट्रक्चर्स हैं, पार्ट्स हैं स्टेम के, वो आपको कंपेयर करना है दूसरे सारे प्लांट्स के. सो वॉट डू यू फाइंड, आपने क्या फाइंड किया. स्टेम्स बेयर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. मीन्स आपने ये ऑब्जर्व किया कि स्टेम्स की जो बेयर लीव्स है उसकी ब्रांचेस हैं और बर्ड्स है, फ्लावर्स है, उसमें फ्रूट्स भी हैं. सो हियर इज द नेक्स्ट टॉपिक, लीफ. ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. आपको ऑब्जर्व करना है आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उसकी लीव्स का आपको ऑब्जर्व करना है, और आपको उसे नोटबुक में ड्रॉ करना है. आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर. सारे प्लांट्स के जो लीव्स हैं उसकी साइज जो है वो सेम है, और कलर भी उसका सेम है, और शेप भी उसका सेम है. हाउ आर द लीव्स अटैच टू द स्टेम, और लीव्स जो है वो स्टेम से कैसे अटैच है. द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेट्यूल, और ऐसा पार्ट जो कि स्टेम से अटैच है हम उसे पेट्यूल कहते हैं. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना, और लीफ का जो ब्रॉड पार्ट होता है जो उसे हम लेमिना कहते हैं. कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू. डू ऑल द लीव्स हैव पेट्यूल्स, क्या सारे लीव्स में पेट्यूल्स होते हैं. नाउ लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इंप्रेशन. इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इट इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन. सो दिस इज कॉल्ड लेमिना, दिस इज द पार्ट ऑफ द बिग पार्ट ऑफ द लीफ, दिस इज पेट्यूल एंड दिस इज स्टेम्स. नाउ हियर रूट 7.4 रूट. लुक एट फिगर 7.13. नाउ दिस, लुक दिस. डू यू थिंक वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली, पहले और बूझो बाय. विच पार्ट ऑफ द प्लांट इन द सॉइल, लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज. यू नो रिक्वायर टू पॉट्स, आपको सिर्फ दो पॉट्स लेने, खुरपी लेनी है, ब्लेड लेना है, पैर ऑफ सीजर्स ऑफ वाटर लेना है. दिस एक्टिविटी इज यूज टू बी डन इन फोर ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट. सिलेक्ट टू प्लांट्स, आपको कोई भी प्लांट को सिलेक्ट करना है. द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड, सेम काइंड के प्लांट्स लेना है, आपको उसे ओपन ग्राउंड में डिग आउट करना है विथ रूट्स. टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, और आपको ऐसा भी ध्यान रखना है कि जिससे उनके रूट्स जो है वो ब्रेक ना हो. प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए, कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द जो पॉट ए में जो प्लांट है उसके जो है वो रूट्स कट कर देते ऑफ द अदर प्लांट. एंड प्लांट इन पॉट बी, वाटर देम रेगुलरली, और प्लांट बी जो है उस पॉट बी में जो है आपको उसे रेगुलरली वाटरिंग करना है. सो ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, आपको एक वीक के बाद प्लांट को ऑब्जर्व करना है. बोथ प्लांट्स आर हेल्दी, बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली, बट वन इज विदाउट रूट्स. दोनों प्लांट्स को आप रेगुलरली वाटरिंग कर रहे हो, बट एक जो है वो विदाउट रूट है. इजंट इट, डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस फंक्शन ऑफ रूट. अगर हम रूट को कट कर देते हैं तो प्लांट्स जो है वो जो प्लांट है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा. सो हियर इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन. नाउ वी हैव फ्लावर. यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज, आपको कुछ ब्रांचेस शो करी है रोज की. सो हियर इज ए, ये जो है वो पूरा स्टेम है, इसमें सिर्फ स्पाइंस है उसके, इसमें लीव है पर फ्लावर नहीं है, और इसमें फ्लावर, लीव्स और स्पाइंस सब है. सो लीफलेस ब्रांच है, अ ब्रांच विथ लीव्स जिसमें लीव्स हैं, अ ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर्स, एक ब्रांच है जिसमें लीफ और फ्लावर दोनों है. विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर, आप फ्लावर के लिए आप कौन सा कलर यूज करोगे. आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल, सारे फ्लावर्स जो है वो कलरफुल होते हैं. हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और ग्वावा. आपने कभी वीट में, मेज में, मैंगो में, ग्वावा में फ्लावर देखा है. आर दोज ब्राइटली कलर, क्या वो ब्राइटली कलरिंग में है. नाउ वी हैव दिस, दिस द इमेज ऑफ बर्ड एंड फ्लावर. नाउ ये सेपल्स, इसे हम सेपल्स कहते हैं, और ये पेटल्स होती है. जब फ्लावर खिल जाता है जैसे कि रोज है तो ये उसकी पेटल्स.
दीज आर पेटल्स, डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट कलर्स. ये सारे पेटल्स है, हर फ्लावर में अलग अलग टाइप्स के पेटल्स होते हैं और अलग अलग टाइप्स के कलर्स होते हैं. वेट डू यू थिंक द पेटल्स आर इन क्लोज बड? अगर पेटल्स जो क्लोज बड पे हैं वो बिल्कुल क्लोजली होंगे, एक दूसरे से स्टिक होंगे. मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द बड, डिड यू सी द पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर? और ये पार्ट जो है लीफ का वो स्मॉल लीफ से बना हुआ होता है. दे आर कॉल्ड सेपल्स, और हम उसे सेपल्स कहते हैं. टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल्स. आपको एक फ्लावर लेना, उसे ऑब्जर्व करना है, उसे पेटल्स कहते हैं, सेपल्स कहते हैं. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ मेनी सेपल डज इट हैव? उसमें कितने सेपल्स होते हैं? आर दे ज्वाइंट टूगेदर? क्या वो ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ? वॉट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स? और पेटल्स और सेपल्स का कलर क्या होता है? हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? पेटल्स जो है फ्लावर जो सॉरी फ्लावर के पास कितने पेटल्स होते हैं? आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर और सेपरेट? क्या वो ज्वाइंट है और सेपरेट है? डू द फ्लावर्स विद ज्वाइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट? आर दे ऑल्सो ज्वाइंट टूगेदर? ऐसे सेपल्स जो कि अलग हैं दूसरे पेटल्स के थ्रू, क्या वो एक दूसरे में ज्वाइंट है? सो हियर मीन्स अलग अलग पेटल्स, अलग अलग सेपल्स के अलग अलग शेप्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स भी होते हैं. जो पेटल्स जो होते हैं वो जब बर्ड में होते हैं तब वो कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं. जब वो खिल जाते हैं, फ्लावर पूरा ब्लूम कर जाता है, तो वो सेपरेट हो जाते हैं. सो डू द फ्लावर्स विद द ज्वाइंट सेपल्स हैव पेटल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट एंड दे आर ज्वाइंट टुगेदर? जो सेपल्स में जो है फ्लावर वो ज्वाइंट तो है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो है, बट वो क्लोज फॉर्म में नहीं है. मीन्स ये बेल शेप फ्लावर आप देख रहे हैं, इसका शेप भी अलग है, इसकी लीव्स भी अलग है, इसमें सेपल्स भी अलग है और पेटल्स भी अलग है. एथेंस येलो कलर, उसमें येलो कलर के एथेंस होते हैं, ये आप देख रहे हैं. उसके स्टैमेंस और क्रीम, ये स्टैमेंस है और क्रीम है, क्रीम कलर में है. पिस्टल, ये पिस्टल है, दैट इज कॉल्ड पिस्टल. और ये इसका जो लीव पेटल्स का जो शेप है वो अलग है और कलर भी डिफरेंट है. पार्ट्स ऑफ स्टैमेन, ये स्टैमेन है और ये एंथर है और ये फिलामेंट है. द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल, और इनर मोस्ट पार्ट जो है फ्लावर का उसे हम पिस्टल कहते हैं. इफ़ यू कैन नॉट सी इट्स कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टैमेंस, और अगर आप उसे कम्प्लीटली नहीं देखते तो आप रिमूव कर सकते हैं स्टैमेन को. आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल, आपको आइडेंटिफाई करना है पिस्टल के पार्ट्स. नाउ ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ अ फिगर ऑफ योर फ्लावर. मीन्स आपको ऐसे, ये इसका स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ अ पिस्टल, और ये ओवरी है. सेवन पॉइंट टू फाइव, कटिंग ऑफ एन ओवरी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड बी ट्रांसवर्स कट. अब हमें उसे कट करना है ब्लेड से. कट द ओवरी इन टू डिफरेंट एज शोन इन फिगर 7.25 टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग. पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ टू पीसेस ऑफ द ओवरी यू हैव कट. अब आप उसमें कट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं, ये उसके ओवल्स हैं. इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी, लॉन्गिट्यूडनल कट एंड ट्रांसवर्स कट. ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी, अब आपको ऑब्जर्व करना है उसके इनर पार्ट्स को, लेंस के थ्रू आपको ऑब्जर्व करना है. डू यू सी सम स्मॉल बीट लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी? क्या आपने ऐसे स्मॉल बीड्स के स्ट्रक्चर देखे हैं, उसके ओवल्स देखे हैं? ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक. आपको क्या करना है, इनर पार्ट्स जो है उसके ओवरी के आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है. ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी फ्लावर एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन. रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड बेस्ड ऑन वॉट यू हैव फील्ड इन टेबल. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. मीन्स डू ऑल हैव फ्लावर्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस एंड पिस्टल्स? येस. आर दिस फ्लावर्स आर डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस? मीन्स किसी किसी में कम होते हैं और किसी में ज़्यादा भी होते हैं. आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स ऑफ देयर अदर दिस? नहीं, इससे ज़्यादा कोई पार्ट नहीं होता. डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स? नो, ऐसा कोई भी फ्लावर नहीं है जिसमें सेपल्स और पेटल्स मीन्स सेम हो. डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ द नंबर ऑफ स्टेमेंस इन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स? येस, ऐसे फ्लावर्स होते हैं. सो डू यू नाउ अग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम? द नंबर्स ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल्स में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स. सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एबसेंट एंड टाइम्स.
काफ़ी ऐसे भी प्लांट्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं उसमें कभी कभी ये पार्ट्स जो हैं वो एबसेंट होते हैं. वी आर स्टडीड सम ऑफ फीचर्स फंक्शंस ऑफ लीव स्टेम्स एंड रूट्स. वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स. वी लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावरिंग्स इन हायर क्लासेस. वील ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस. हम लोग जो है प्लांट्स के लीव्स के उसके सारे फंक्शंस जो हैं स्टेम्स और रूट्स के वो काफ़ी सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के. सो ये सारे जो हैं हम हायर क्लासेस में रीड करेंगे. एंड वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द फ्रूट्स इन हायर क्लासेस. और फ्रूट्स के बारे में भी हम काफ़ी सारी नॉलेज जो है हमें नेक्स्ट हायर क्लासेस में मिलेंगी. सो हियर इज अ की वर्ड्स क्लाइंबर्स कंडक्ट क्रीपर्स फिब्रस रूट्स हर्ब्स लेमिना लेटरल रूट्स मिडरिब ओवल पैरेलल वेनेशन पेटल पेटियोल फोटोसिंथेसिस पिस्टल रेटिकुलेट वेनेशन सेपल श्रब्स स्टेमन टैपरूट ट्रांसपिरेशन ट्रीज एंड वेज. सो हियर इज अ लेसन नंबर 7 इज फिनिश्ड. Getting to know the plants. In the next session, we are going to start the lesson number 8, and I'm going to explain you the question answers of this lesson of getting to know plants in the next session. So I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned to learn next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.